हरि ओम। जितने सालों की बीमारी होगी उतनी किस्तें बन जाएंगी। अगर हमने किसी का कर्ज देना हो और कर्ज देने वाला दयालु हो, हमारे में चौंकाने की शक्ति ना हो, तो कर्ज देने वाला कहता है कोई बात नहीं, मैं इसकी किस्तें बना दे देता हूँ। हम वर्षों से अपने नज़ला ज़ुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार और हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, तरह तरह के रोगों को दवाइयों के द्वारा अंदर बंद कर रहे हैं। जब हम माँ प्रकृति की शरण में जाते हैं, जब हम कुदरत की शरण में जाते हैं, तो हमारी कुदरत हमारे अंदर वाले वैद्यनाथ उसकी किस्तें बना देते हैं कि सारी गंदगी तू एक दिन में बाहर नहीं निकाल सकता। लो, ये जुकाम कर दिया, इसको दो दिन में ठीक करो, एक किस्त दो। एक किस्त देने के बाद हम हल्के फुल्के हो जाते हैं। जैसे किस्त देने के बाद पता चलता है कुछ कर्जा कम हुआ है, ऐसे एक किस्त जुकाम की एक किस्त देने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे वर्षों का रोग कुछ कम हुआ है। किस्तें बनेंगी, मेरे को नहीं पता आपने कितना कर्जा ले रखा है, आपने कितनी गंदगी अंदर दबा रखी है, आपने कितनी दवाइयाँ खा रखी हैं, उतनी किस्तें बन जाएंगी। जितने सालों की बीमारी है उतने महीनों में ठीक हो जाएगी। ये दूसरी बात जो कल आपके साथ की थी। तीसरी बात आपसे की थी कि हम अपने अंगों को आराम नहीं देते। जैसे हड्डी को आराम देने से हड्डी जुड़ जाती है, ऐसे शरीर के और अंगों को जिनसे हम गलत काम लेते हैं, जहाँ अधिक काम लेते हैं, उनको आराम देने से हमारे शरीर के अंग ठीक हो जाते हैं, मतलब रोग ठीक हो जाते हैं। आपको जो भी खाने पीने के लिए बताया जा रहा है, आपको जो भी छोड़ने के लिए बताया जा रहा है, आपको जो भी करने के लिए बताया जा रहा है, उसके पीछे पूरी साइंस है। ये हाईली साइंटिफिक है। आप ये मत बोलना कि ये देसी इलाज है। ये देसी इलाज नहीं है, ये वैज्ञानिक इलाज है। तो अगर आपको उसके पीछे विज्ञान समझ में ना लगे, तो आप हमारे संपर्क में रहना, आप हमारे से प्रश्न पूछना, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये खाओ ये ना खाओ, ये करो ये ना करो। आप हमारी पुस्तकों का अध्ययन करना, क्योंकि ये एजुकेशन है, ये शिक्षा है। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम टीचर हैं, शिक्षक हैं। सीखो। तो हमारी हर बात के पीछे एक साइंस काम कर रही है कि हम अपने शरीर के अंगों को कैसे आराम दे सकते हैं। इसके पीछे एक और साइंस काम कर रही है। हमारे शरीर के अंदर एक प्राण शक्ति है जो हमें ईश्वर की तरफ से जन्म के समय एक भंडार के रूप में मिलती है। लो, इसके साथ आपने जीवन गुजारना है। जैसे मोबाइल फ़ोन हम खरीदते हैं, उसके साथ एक नई बैटरी मिलती है। उस बैटरी को हम रोज़ चार्ज करते हैं। उस बैटरी के द्वारा ही सारे काम बनते हैं, मोबाइल फ़ोन के या आपके घर के इन्वर्टर के। ठीक ऐसे ही शरीर के साथ हमें ईश्वर की तरफ से प्राण शक्ति रूपी एक बैटरी मिलती है। इस प्राण शक्ति के साथ शरीर के सारे काम चलते हैं। खाने को पचाने का, चलने फिरने का, सोचने विचारने का, रोग को ठीक करने का। जैसे बैटरी पुरानी होती है उससे काम कम बनते हैं, ऐसे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी प्राण शक्ति भी कम होती चली जाती है। सोचिए जरा, प्राण शक्ति भी कम होती चली जाती है। छोटी उम्र में पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, छोटी नौजवान अवस्था में ज़्यादा खा सकते हैं, ज़्यादा पचा सकते हैं। छोटी उम्र में हड्डी टूट जाए तो जल्दी जुड़ती है, बड़ी उम्र में हड्डी जुड़ने में टाइम अधिक लगता है।
ये प्राण शक्ति जो हमें ईश्वर की तरफ से मिलती है, इसके साथ एक परेशानी है कि हम इसको बचा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। हमें जो रुपया पैसा मिलता है जन्म के साथ माता पिता की तरफ से, अपने बुजुर्गों की तरफ से, उसको हम कमा के बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको बढ़ा नहीं सकते, इसको केवल बचा सकते हैं। मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, बहुत कुछ समझ में आने वाला है, मेरे साथ रहिए। अब ये जो प्राण शक्ति हमें मिली है, इसको संभालने की, बचाने की हमें आदत नहीं है, हमारे स्वभाव में नहीं है, इसको स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया जाना चाहिए। अगर आप लोग मेरे को सहयोग दो, हेल्थ मिनिस्ट्री की सोच को बदला जा सकता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री की सोच को बदला जा सकता है, आपका सहयोग चाहिए। इसको बचाने की समझ हमें नहीं है, रुपए पैसे को बचाने की समझ हमें है, उसके लिए आपको ये क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं, कोई सत्संग अटेंड करने की ज़रूरत नहीं। एक व्यक्ति को 10,000 रुपये महीने की आमदन है और दूसरे व्यक्ति को 1,00,000 रुपये महीने की आमदन है। बाहर आपको खीरा शायद 20 रुपये किलो मिल रहा है। जिसको 1,00,000 रुपया आमदन है वो ऐसा बोलता है, मेरे को आमदन ज़्यादा है, मेरे से तो 25 रुपये ले लो। नहीं बोलता ना। ये जो हमारे स्वभाव के अंदर, हमारे पास पैसा कितना भी हो और कमाने की आदत है, उसका फायदा क्या होता है कि हम अपना जीवन बड़े आराम से गुजार के चले जाते हैं, खाने पीने पहनने के लिए पैसे की दिक्कत नहीं आती है, आम तौर पे किसी का भी दिवाला नहीं निकलता है। ध्यान देना, इस बात का आपके शरीर के साथ संबंध है। रुपए पैसे के मामले में हमारा दिवाला नहीं निकलता, शरीर की शक्ति को बचाने की आदत हमारे स्वभाव में नहीं है, क्योंकि हमें ना तो हमें पीछे से किसी ने बताया और ना ही हमें स्कूलों में पढ़ाया। ये प्राण शक्ति उम्र के साथ कम होती है, इसको हम बचाते नहीं, इसको बेकार में खर्च होती है, हो जाती है, इसलिए 40-50 साल की उम्र में सबकी सेहत का दिवाला निकल जाता है। कैसे निकलता है? अगर हमारे घर में समोसा खाया जाए, हमारे बच्चे हमारे सामने 2 समोसे खा जाते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी उम्र के अगर आधा समोसा खाते हैं वो खट्टे डकार लेते हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति कम है, बच्चों के पास शक्ति अधिक है। जब सफ़ेद बाल वाले मेरे जैसे बोलते हैं समोसा मत खाओ, बच्चों को बोलते हैं, तो पीछे से एक आवाज़ आती है, इनकी तो उम्र है, इनको तो खाने दो, आप सफ़ेद बालों वाले परहेज करो। मतलब आपका दिवाला निकल गया, इसलिए आप बचत करो, इनका दिवाला निकलने का इंतज़ार करो, ये दिवाला निकलने के बाद बचत करेंगे। अगर हम सब रुपए पैसे में पहले तो दिवाला निकाल लें, सारा पैसा ख़त्म कर लें, फिर बचत करेंगे और फिर कमाई करेंगे, तो हमारी आर्थिक हालत क्या होगी? जो आर्थिक हालत हमारी रुपए पैसे में होगी वो आज हमारी सेहत की है, क्योंकि सेहत का दिवाला हम निकालने के बाद परहेज करते हैं। कोई समझाने वाला नहीं है, सबका लगभग दिवाला निकला हुआ है 40-50 साल की उम्र में। पूछता हूँ, कहते हैं बस अब तो उम्र हो गई इतना ही बन पाता है, ये गलत है। आप 70 साल की उम्र में भी 20 साल जितने बच्चे जितना काम कर सकते हो, आप 20 साल की उम्र में भी 70 साल जैसा जीवन जी सकते हो, आपके हाथ में है। हम अपनी शक्ति को बेकार खर्च करते हैं, हम अपने शरीर के अंगों को बेकार में तंग करते हैं। जरा दिखा दूं कैसे तंग करते हैं।
अगर किसी को ज़्यादा नुकसान लग जाए, अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए, अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाए, मौत हो जाए, तो सबसे पहले जो पदार्थ खिलाया पिलाया जाता है वो क्या होता है जरा बताओ? पानी। सबसे पहले उसको क्या पिलाया जाता है? पानी। जो एक्सीडेंट हुआ, जो दुर्घटना हुई, जो नुकसान लगा, पानी पिलाने से वो नुकसान पूरा हो जाता है क्या बताओ? वो नुकसान पूरा हो जाता है क्या? नहीं होता। पानी पिलाने से वो नुकसान पूरा नहीं होता, मात्र चलो अब नुकसान तो काफ़ी हो गया, अब जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, थोड़ा पानी पी के शांति कर लो। मेरे साथ रहना, अब क्या होगा? अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, उसको हम समोसा खिलाएं, पकोड़े खिलाएं, कचौरी खिलाएं, पिज़्ज़ा खिलाएं, बर्गर खिलाएं, चौमिन खिलाएं, ये सब खिलाने के बाद जो सबसे पहला पदार्थ मेहमान मांगेगा और आप पिलाएंगे वो क्या होगा? पानी। मतलब हम मेहमान को कहते हैं कि मैंने तेरे को गलत खाना खिला दिया, इस गलत खाने ने तेरे शरीर का अमृत सोख लिया, जो हड्डियों के अंदर रस है, जो हड्डियों के अंदर ग्रीस है, जो हड्डियों के अंदर तेल है, जो इलास्टिसिटी है, जो लचक है, वो सारी निकाल ली। अब तेरे शरीर का अमृत तो मैंने लूट लिया, मेरे से गलती हो गई, अब पानी पी लो। फिर हम मेहमान को कहते हैं अब पानी पी लो, नुकसान तो बहुत कर दिया मैंने तेरा, अब पानी पी ले, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता, जो होना था हो गया। पानी पीने से शरीर की वो पूर्ति नहीं होती, शरीर का वो अमृत वापस नहीं आता, काम चल जाता है। यही हालत हमारे शरीर के अंदर नमक मिर्च मसाले ये स्नेक्स या स्नैक्स करते हैं, और यही हालत सफ़ेद चीनी करती है। किसी को दो चार पीस बर्फ़ी के खाने दो, एकदम प्यास नहीं लगेगी जैसे पकोड़े खाने के बाद लगती है, दो घंटे बाद उसकी हालत देखो, वो बहुत ज़्यादा पानी पिएगा और प्यास नहीं बुझेगी। चीनी भी आपकी हड्डियों में से रस निकाल लेती है, नमक भी आपकी हड्डियों में से रस निकाल लिया जाता है। पहले के लोग इस तरह के पकोड़े, पिज्जे, बर्गर, समोसे, कचौरियाँ नहीं खाते थे, रोज़ नहीं खाते थे, और चीनी भी इतनी इस्तेमाल नहीं करते थे। अगर आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। समाज को बदलना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई अनजान मेहमान आ जाए, अगर कोई लड़का या लड़की को देखने आ जाए, आपको ये सोचना पड़े कहीं ये नेचुरल लाइफस्टाइल वालों के बंदे तो नहीं, इनके आगे अगर समोसे ला के रख दिए ये बुरा ना मान जाएं, आप हमें लूटने के लिए ये सामान खिला रहे हो, आप हमें नुकसान पहुंचाने के लिए खिला रहे हो, आप कैसे हमारा सादर आदर कर रहे हो, ये कोई सम्मान आदर इज्जत करने का तरीका है? तरीका आपको हम बताते हैं। आप मेहमान को प्लेट भर कच्चे सलाद खिला दीजिए, आप मेहमान को खरबूजे के मौसम में खरबूजा खिला दीजिए, तरबूज के मौसम में तरबूज खिला दीजिए, अमरूद खिला दीजिए, नाशपाती खिला दीजिए, और पानी का गिलास वहाँ रख दीजिए, उस पानी को मेहमान पिएगा ये सब खाने के बाद? नहीं। क्यों? आपका मेहमान कहता है, मेहमान नहीं आपका शरीर कहता है, आपने मेरे को अमृत खिला दिया पिला दिया।
मेरी तृप्ति हो गई, आपने मेरे को सब कुछ दे दिया, अब पानी पी के, फूका पानी पी के मैं क्या करूँगा। और समोसा कचौरी खाने के बाद शरीर कहता है कि अब तो सब कुछ लुट गया, अब पानी पिलाओ। अब देखिए, जब तक आप इसको फैशन नहीं बनाएंगे, मेक द नेचर क्योर अ फैशन, इसको रिवाज बनाओ, इसका फैशन चलाओ कि लोगों को मिठाइयाँ और स्नैक्स, समोसा कचौरी पकोड़े खिलाते हुए शर्म आए। अगर आपके घर में पड़े हों तो आपको छुपाने पड़ें, जैसे हमारे से लोग छुपाते हैं। आओ मैदान में, फिर देखो आपकी सेहत कैसे बनती है, फिर देखो रोग कैसे जाते हैं। हम खुद ही अपने शरीर को लुटा रहे हैं, हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। शरीर को चलाने के लिए जो शक्ति चाहिए उसको हम बेकार में खर्च कर रहे हैं। विषय शरीर का है, अभी शरीर पे रहते हैं, समय मिलेगा तो मन की बात करूँगा। चार तरह की गलतियाँ होती हैं जो खाना हाजम नहीं होता। पहली गलती बिना भूख के खाना, दूसरी गलती मात्रा में अधिक खाना। उसको एक कहानी के माध्यम से समझाया जाता है, आप कितना खाएंगे। यहाँ जो आए हुए हैं, जो पहली दफ़ा आए हैं, जिन्होंने आज तक कभी नहीं सुना, वो हाथ खड़ा कीजिए, काफ़ी संख्या है। अब मेरे को ये कहानी सुनानी पड़ेगी, अगर आप पहले वाले होते तो मैं आगे चलता, मेरा सिलेबस यहीं रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। चलिए, खाना कितना खाना चाहिए, हर व्यक्ति की भूख अलग है, हर व्यक्ति की कार्यशैली अलग है, उम्र अलग है, मनोबल अलग है, एक ही मात्रा सभी को नहीं बताई जा सकती। आपको एक कहानी के माध्यम से बताया जाएगा कि आप कितना खा सकते हैं। हम चबा चबा के भोजन लेते हैं, हमें भूख है। अब भोजन यहाँ से चबाने से मुंह से ही पचने का काम शुरू हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर भोजन चलते चलते हाजम होता है। हमारे शरीर के अंदर एक आमाशय है, मेदा है, जो हमारे शरीर के अंदर थैली जैसा पड़ा हुआ है, गुब्बारे जैसा पड़ा हुआ है। जब इसके अंदर भोजन आ जाता है, ये फैल जाता है। जब इसमें से भोजन नीचे चला जाता है, ये सिकुड़ जाता है। मान लीजिए अब हम सब खाली पेट हैं, हमारा मेदा खाली है और ये सिकुड़ा हुआ है। सिकुड़े हुए की भी अवस्था में इसमें कुछ शुद्ध वायु है। हम चबा चबा के भोजन लेते हैं, जैसे ही हमारा आमाशय आधा भर जाता है, हवा अपना स्थान छोड़ती है, वो हमारे मुंह में आती है, उसको हम कहते हैं तृप्ति डकार। अधिक जानकारी के लिए हमारे पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग लें। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनीमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, Sector 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 110085। हमारे फ़ोन नंबर हैं 011-2751-0771, 09953722272।